नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। थाना काशीपुर में हत्या के मामले को लेकर कल मृतक के भाई थाना कटघर जिला मुरादाबाद निवासी द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 302 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया कि उसका भाई चांदपुर प्रतापपुर अपने मकान पर गया था, जिसका 29 जनवरी से मोबाइल बंद आ रहा है, जिसको गंभीरता से लेते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के आदेश पर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह और सीओ वंदना वर्मा के नेतृत्व में थाना प्रभारी मनोज रातुड़ी, एसएसआई प्रदीप मिश्रा, अशोक कांडपाल, धीरेन्द्र सिंह परिहार, संतोष देवरानी, नवीन बुधानी, चित्रगुप्त और देवेंद्र सिंह सामंत पुलिस टीम के साथ मिलकर जगह जगह सीसी कैमरों और मुखबिर की सूचना पर तीन संदिग्ध व्यक्ति चांदपुर प्रतापपुर निवासी गौतम वाल्मीकि, रवि उर्फ भोगली और दीपक को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से पुलिस को एक चाकू, एक सरिया, मृतक की मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और ताले की चाबी प्राप्त हुई है। पुलिस की कड़ी पूछताछ में अभियुक्त दीपक ने बताया कि मृतक मुकेश रिश्तेदार होने के कारण अक्सर घर आना जाना लगा रहता था और मेरे दोनों दोस्त भी मृतक मुकेश के संपर्क में आ गए थे। हम दोनों ने पैसों के लालच में आकर मृतक की हत्या की थी। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने कहा कि तीनों हत्यारोपियों द्वारा मृतक मुकेश के 1500 रुपये के लालच में मृतक के कमरे में बैठकर शराब पी, मुकेश को नशे की हालत में सरिये व चाकुओं से गोद कर हत्या कर बेड के अंदर छिपाकर कंबल से ढक दिया था और 1500 रुपये आपस में बांट लिए थे। इसके बाद मृतक की मोटरसाइकिल को बेचने जा रहे थे, जिनको मुखबिर की सूचना पर तीनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौकी क्षेत्र में, जो कि काशीपुर थाने का पार्ट है, इसमें एक व्यक्ति के मर्डर की सूचना हमें मिली थी, जिसका नाम मुकेश था और यह व्यक्ति वही सैनिक कॉलोनी के अंतर्गत 2014-15 से वहाँ पर मकान बना करके अपने परिवार के साथ रह रहा था। 2019 में इनकी पत्नी इनको छोड़ के चली गई थी और बाद में इन्होंने यहाँ पे किराएदार रख लिए थे। इनके परिजनों से ये लगातार संपर्क में रहते थे और इनका आना जाना काशीपुर में रहता था, लेकिन आज के लिए मुख्यतः कटघर जो थाना क्षेत्र है मुरादाबाद, ये वहीं रहते थे। घटना के दिन से एक दिन पहले 27 तारीख को ये यहाँ पर आए थे। 28 को जब इनके परिजनों से इनकी बातचीत नहीं हो पाई, तो 3-4 दिन जब बात नहीं हुई तो इनके परिजनों को संदेह हुआ कि ये पहले तो ऐसा नहीं करते थे, तो इनके परिजन इनको देखने आए तो इनके मकान से दुर्गंध आई। दुर्गंध आने को छोड़ करके जब देखे तो इनके बेड का जो दीवान था उसके अंतर्गत एक चादर में लपेट करके बॉडी रखी हुई थी। इन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर इंस्पेक्टर हमारे काशीपुर के नेतृत्व में एक टीम बना करके और बाकी FSL की टीम, हमारी जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम है, वो भी डॉग स्क्वाड की टीम भी लाई गई और हमने जब घटनास्थल का निरीक्षण किया तो उसमें कुछ चीज़ें आई कि वहाँ पर बैठ करके और कुछ लोगों के द्वारा शराब का सेवन किया गया था और वहाँ पर 3-4 पड़ी हुई गिलासें मिली थी। इसी बीच में 3 लड़कों का नाम आया था जो कि इनके जानने वाले थे, भोगली, रवि और ये गौतम। तो इन लड़कों को भी हमने उठा करके इनसे जब पूछताछ करी तो इन्होंने घटना के बारे में तत्काल स्वीकार कर लिया। इनको ये था कि इनका जो मित्र दीपक है, दीपक को ये लगा कि मुकेश के पास काफ़ी पैसे हैं, लगभग 25-30 हज़ार रुपये हैं और अगर हम इसे मार देते हैं शराब पिलाने के बाद तो वो पैसे हम आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। इसी संदेह में इन्होंने इसके सिर पर राड से वार किया था, लोहे की राड से, और उसके बाद से जब ये चूँकि नशे में भी थे और ये उचित भी थे तो ऐसी स्थिति में फिर चाकू ले करके और गले पर वार किया। जब इनकी मृत्यु हो गई तो वहीं पर लपेट की चादर में बिस्तर की और दीवार के अंदर इन्होंने रख दिया था। और जो घटनास्थल से इनको 1500 रुपये मिले थे उनके तलाशी में पैकेट से, और जो मोटरसाइकिल थी वो ये लेकर के चले गए थे। CCTV और सर्विलांस के माध्यम से हम तीनों को डिटेक्ट करके इन तीनों को पकड़ने में हमारी टीम को सूचना से लगभग 6 घंटे के अंदर ही सफलता मिल गई थी। आज इस घटना का सफलतापूर्वक इंस्पेक्टर काशीपुर के नेतृत्व में खुलासा किया जा रहा है और आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। सर, कोई इनाम की घोषणा करी है? SSP सर के द्वारा इस पूरी टीम को 2500 रुपये इनाम। फिर उनको संदेह हुआ, फिर चारों तरफ खोजा कहाँ से महक आ रही, तो उन्होंने देखा कि दीवान बेड के अंदर इनका कोई बॉडी पड़ी हुई है। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर हमारी पूरी टीमें गई, देखने के बाद प्रथम दृष्टया क्योंकि बॉडी 5-7 दिन में हाफ डिकम्पोज हो गई थी तो काफ़ी महक थी। तत्काल FSL की टीम हमारी और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमारे हैं उनको भी मौके पर बुलाया गया। डॉग स्क्वाड की टीम आई और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हमने तत्काल इसकी करवाई। प्रथम दृष्टया जो हमें देखने में तो ये आशंका थी कि ये मर्डर कर गई और इस तरह की चीज़ें करी गई हैं। 3 लड़कों के नाम आए थे जो कि इनके साथ खाने पीने में रहे, जिसमें दीपक, गौतम और ये रवि भोगली है। बाद में हमारी टीम, इसमें 3 टीमें बनाई गई थी। टीमों ने इन तीनों को पकड़ा। पकड़ने के बाद इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा यही बताया गया
कि ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। घटना के एक दिन पहले जब मुकेश यहाँ पे आया अपने गांव अपने थाना कटघर गाँव मुरादाबाद से, तो इनको ये डाउट हुआ कि इसके पास काफ़ी पैसे हैं और अगर इसे मार के इससे पैसे ले लिए जाए तो हम आपस में बांट लेंगे। इनका अनुमान ये था कि लगभग उसके पास 25 से 30 हज़ार रुपये होंगे और इन्होंने इसी 25-30 हज़ार के लालच में एक साथ रात में खाए पिए और उसके सिर में राड मारी। मारने के बाद फिर ये दीपक है ये अपने घर से चाकू भी ले आया और गर्दन पे भी चाकू से इन्होंने वार करी और उसको वहाँ पर मृत्यु होने के बाद उसको मौके पर ठिकाने लगाया। 1500 रुपये मिले थे जिसमें 500 रुपये इन तीनों ने आपस में बांटी थी। बाद में 2-3 दिन बाद इनको फिर लगा कि अभी तक किसी को सूचना नहीं मिल पाई है तो बाइक को भी ठिकाने लगा देते हैं क्योंकि बाइक वहीं अंदर थी, तो फिर इन्होंने बाइक ले जा करके भी और बाइक का सौदा कर लिया था जिसका अभी इनको पैसा नहीं मिल पाया। आला कतल और जो इन्होंने डीलिंग करी थी वो सारी चीज़ें हम बरामद कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त बाइक भी हमारी जो ले जा करके बेची थी उसकी भी रिकवरी हो चुकी है।